कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। गजलों, गीतों, काव्य परंपरा के जिस हिमालय को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि सैकड़ों हजारों लाखों युवा जिनका चरण वंदन कर ऊंचे पदों पर बैठकर देश की सेवा कर रहे हैं, जिनको सुनकर, जिनकी आराधना कर, जिनको अपना मार्गदर्शन मानकर सैकड़ों हजारों युवा आज मंच पर स्थापित हैं, ऐसे काव्य के सुमेरु हमारे बीच में हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन के रूप में हमको मार्गदर्शन देने आए हैं। मैं उनको बिना किसी पंक्तियों के आग्रह करता हूं कि मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा उस कला के संदर्भ में बात करता हूँ। एक बात हमेशा बोला करता हूँ मैं कि हर चीज का कोई शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन कला का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या बात है, वाह! एक दिन में कोई बिस्मिल्लाह खान नहीं बन जाते। हाँ, अमीर बन सकते हैं एक दिन के अंदर किसी और कारण तरीके से, लेकिन कलाकार नहीं बन सकता। उसके लिए तो शॉर्टकट नहीं बल्कि तपस्या की आवश्यकता होती है। तो मैं कहता हूँ, अगर ढंग से कह पाया हूँ तो मुझे बताइए। कहता हूँ कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ। क्या बात है तू, वाह 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 वाह। जाने कहाँ है तू। मैंने कहा ना, उम्र गुजर जाती है। चार पंक्तियां और निवेदन करता हूँ दोस्तों। कविता का काम सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधना है, तो मैं ये बात कहने की कोशिश करता हूँ। कहता हूँ कि मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, पच्चीस साल मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद है तू भाई, वाह 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 वाह। और हमारे काव्य शैली तो कमाल कर दिया मेरे छोटी बिटिया ने, भाई कमाल कर दिया भाई, वाह। एक बार ताली बजा दीजिए काव्य शैली, काव्य शैली, वाह। कहता हूँ मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और दोस्तों, अगर ये पंक्तियाँ आपके खास पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, अगर आपको लगे एक वास्तव सच्ची बात कही तो मुझे बताइएगा। पुराने समय से लेकर आज तक युग बीत गए, भाग्य और कर्म के बारे में सोचा जाता रहा कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को बड़ा मानता हूँ, भाग्य भी बड़ा, कर्म भी बड़ा, लेकिन भाग्य कर्म से बड़ा नहीं है। कर्म जो है आगे है, भाग्य पीछे पीछे है। इस बात को सिद्ध करता हूँ, मुझे देखकर सुनिएगा। अगर सही प्रमाणिक बात हो तो मुझे बताइएगा। कहता हूँ उसने मेरे स्वागत की इस तरह, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। वाह 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 वाह, सच्ची भाई, क्या बात है, शेरों के दादा साहब, आपने जिस तरीके से स्नेह दिया है भाई, जिंदाबाद। मैं बस बहुत बहुत गदगद हूँ कि आपने इस प्रकार से कविता को जो बारीकी से समझ रहे हैं। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और आपकी अगर मेहनत है, मन में कुछ चाह है, तो निश्चित रूप से उससे सफलता मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, चार पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, ये भी देखिए कुछ ढंग से कह पाया हूँ। तो कहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। आपके परिषद ने इतना सुंदर आयोजन किया, मन में चाह जगी होगी तो आप कर पाए ना। कहता हूँ किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हूँ। और खासतौर से आपका ध्यान चाहूंगा दूसरी पंक्ति, अगर आपको लगे कि कोई ढंग से कह पाया हूँ तो बताइएगा। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, प्रमाण सहित कहता हूँ। हर एक कोशिश का दर्जा, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। क्या बात है, मंजिल बाद में आती है, मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है, मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है।
चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। ये वो पंक्तियां जो उन्होंने मेरी जिंदगी को भी आगे बढ़ाया, मुझे भी बहुत सी प्रेरणा दी। कभी कोई कई बार उसकी पंक्तियां प्रेरणा दी जाती हैं, सुनिएगा। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ। आप लोगों की तरफ से कहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। आप सुनिए दो पंक्तियां, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। कहता हूँ कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। वाह 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 भाई, क्या बात है दद्दू, वाह जिंदाबाद। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। दोस्तों, मन में कोई खराब बात आए ना कभी भी, कभी भी, आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोई भाषण नहीं कर रहा लेकिन तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं 76 वर्ष का व्यक्ति हूँ, मैंने जिंदगी में जो देखा वो बताना चाहता हूँ। मेरा तजुर्बा है इस बात का कि अगर मन में कोई खराब बात आए तो टालते चली जाए, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, टालते चले। कोई अच्छी सर बात मन में आए तो तुरंत करने की कोशिश कीजिए। तब मैं कहता हूँ नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आपका मन मुझ तक पहुँच गया, मैं आप तक पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और चार पंक्तियाँ खास तौर से अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। शहीद दिवस पर ये कार्यक्रम हो रहा है, आइए हम उन शहीदों को भी नमन करें जो फांसी के फंदों पर हंसते हंसते झूल गए। उन्होंने देश को कैसे नमन किया, उस नमन की बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में हंसी गर्दने, कह गई फांसियों में हंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आप जानते हैं जब फांसी गर्दने फांसी फंस जाती है, उसके बाद जब नमन करती है तो जाते जाते भी धरती को नमन करके तब कहता हूँ, पुनः इन पंक्तियों पढ़ता हूँ, आप स्नेह दीजिए, दोबारा स्नेह दीजिए। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। ये कौन सा वतन, मैं इसकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बात करना चाहता हूँ। पौरुष के बारे में आपने बात की है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर क्या है, इसके सौंदर्य क्या, प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी संस्कृति का सौंदर्य जो है, उस पर मैं पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, गीत सुनाता हूँ, आपका स्नेह चाहता हूँ, बहुत कम सुनाता हूँ जी। स्वागत है। दो कौन सा देश हमारा, मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल भरा है, तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूपों का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल भरा है, तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूपों का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, जिसकी सुबहों पे ठंडा धुआं है, ओहरा जिसकी सुबहों पे ठंडा धुआं है, जिसकी शामों का रंगे हुआ है, जिसकी है, जिसकी शामों का रंग हुआ है, गोरी गोरी दोपहरी के तन पर मेघमाला का कोमल रुआ है। भाई वाह जिंदाबाद,
भाई वाह 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 वहाँ पे ठंडा धुआं है, जिसकी शामों का रंग हुआ है, गोरी गोरी दोपहरी के तन पर मेघमाला का कोमल रुआ है, नैन रविचंद्रमा तारिकाएं क्षमा, जिसके घट घट में अमृत भरा है, कन में महके सुमन मन में चंदन के वन, जहाँ रूपों का झरना धरा है, मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश। ये पंक्तियां और सुनिएगा, शायद आपको याद आए इस बात की। जहाँ राधा के मन की मुरलियां, जहाँ राधा के मन की मुरलियाँ, रोज कहती है कान्हा है छलिया, जहाँ राधा के मन की मुरलियाँ, रोज कहती है कान्हा है छलिया, गीत गाती है फिर भी उसी के ओढ़ कर सांवली सी कमलिया, गीत गाती है फिर भी उसी के ओढ़ कर सांवली सी कमलिया, प्रीति के गीत में मन के संगीत में जितना डूबा वो उतना तरा है, मन में महके सुमन मन में चंदन के वन, जहाँ रूपों का झरना झरा है, मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश। आखिरी पंक्तियां सुनाता हूँ, स्वागत दादा। एक बिंब बनाने की कोशिश की है, एक चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की है, देखिएगा। मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल हरा है, तन में महके सुमन मन में चंदन के वन, जहाँ रूपों का झरना झरा है, मेरा गंगा का देश मेरा जमुना के देश। रोज खुलते ही दिन की किवरियां, रोज खुलते ही दिन की किवरियां, झांकती घर में किरणों की परियां, रोज खुलते ही दिन की किवरियां, झांकती घर में किरणों की परियां, फिर उजाले की उजली नदी में तैरती है नयन की मछरियां, फिर उजाले की उजली नदी में तैरती है नयन की मछरियां, ग्रीष्म में शीत में प्रीत के गीत में, क्या बात है, तुम्हें प्रीत के गीत में, जो है मुखड़ा वही अंतरा है, मन में के सुमन मन में चंदन के वन, जहाँ रूपों का झरना झरा है, मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश, मेरा गंगा का देश मेरा जमुना का देश। धन्यवाद आपने, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इतने शानदार गीत के लिए। मुझे पता है कि आप गीतों में डूब चुके हो और गीतों के में डूबने के बाद ताली बजाने की भी सुध नहीं रहती। आदरणीय कुंवर बेचैन जी जैसा बड़ा साहित्यकार, जिस युग के बड़े कवि जिनके चरणों में बैठ करके बहुत सारे कवियों ने कविता पाठ सीखा है, ये बाजपुर का सौभाग्य कहूंगा, आपका सौभाग्य कहूंगा कि आप साक्षात रूप से आदरणीय कुंवर बेचैन जी को सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां कुंवर जी को के लिए बजाइए। बात यह है कि सचमुच आपकी बहुत मोहब्बत मुझे मिल रही है। मैं जी मैं कहने ही वाला था ये गीत, वो तो सुनाना ही है, उससे पहले इससे इस गीत से समापन करेंगे, उससे पहले जो मन बहुत बहुत आपने बहुत पुरानी याद दिला दी। मैं शायद 15-16 साल पहले यहाँ पर आया था, मुझे ऐसा ख्याल है जी। हाँ, शुगर फैक्ट्री में आया था, तभी आप लोगों ने बड़ा स्नेह मुझे दिया था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ, और तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं,
तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं, तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं। पानी की एक बूंद है चिंगारियों के, जरा सी खुशी हाजिर करने मुश्किल हो जाती है। तुम ही कहो कि किस तरह उसको चुराऊं मैं, पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ है, कुछ आरियों के साथ। आगे कुछ शेर नहीं है लेकिन छोड़ता हूँ, मैं जहाँ आना चाहता हूँ जा रहा हूँ। सुनिए, स्वागत है दो, क्योंकि मुझे लगा कि आपके मन तक पहुंच गया हूं। बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे मन तक पहुंचना, लेकिन आपके मन तक पहुंच गया हूं तो ये कहना चाहता हूं। पहले मेरी मेरा ख्याल ये था भैया जी जी कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, और दूसरी पंक्ति में मिसाल सही हो जाए तो बताइएगा कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। पासी सामने लोगों के दिलों पर अपने नाम हस्ताक्षर कर दिए, पानी पर ही पानी लिखने का करिश्मा आपने किया है, इसी कहता हूँ। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। चार पंखे होने को दे करता हूँ, बाहर बहुत उजाले हैं चारों तरफ, अपने मन में बहुत अंधेरे हैं, तो सूरज को संबोधित करते हुए चार पंखे कहता हूँ। अगर आपको लगे कि आपका भी अनुभव संबोधित है तो बताइएगा। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, शाख से तोड़े शाख से तोड़ गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़ गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। भले अच्छा होना भी बुरी बात हो तभी अपने अच्छाइयों नहीं छोड़ना चाहिए। कभी सूर्य निकलना बंद करता है क्या, करने बिगड़ना बंद करता है क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ चार पंखियाँ इस संदर्भ से और भी, हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए मंजीत जी, हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, दूरदर्शन पर भी देखते हैं और अखबारों में पढ़ रहे हैं, और हम लोग कई बार लगता है जैसे हम विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं। मैंने कहा दुनिया की उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम भैया जी, दुनिया की उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, आंखों में नफरतों की नई बिजलियां लिए, आंखों में नफरतों की नई बिजलियां लिए, बारूद के ढेर पे बैठे हुए, क्या बात है दो, वाह, बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं हम, सारी दुनिया मैंने हम लोग सारा समझती हम 21वीं शताब्दी में आ गए, कितना विकास किया, लेकिन विकास करने के बाद भी मनुष्य ने अपनी पशुता को नहीं छोड़ा,
तब मैं कहना चाहता हूँ, हम जो फूलों की तरह मुस्कुराना चाहते हैं, कांटों की तरह बनाने की कोशिश किया कर रही है दुनिया, सारा संसार में देख ही रहे हैं आप। कहना चाहता हूँ कि फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, ये खास पंक्तियां निवेदन करता हूँ दोस्तों, सुनिए। फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है। क्या बात है, वाह वाह। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पर तुली है दुनिया। और हम और आप सब मिलकर प्यार मोहब्बत की बात चाहते हैं, दिल्ली दुनिया कैसी हमें कर रही है, कहता हूँ छोटे बच्चों के हाथ हथियार दे दिए गए विदेशों में देखने आप, तब कहता हूँ फूल को खार बनाने पे तली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तली है दुनिया। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, हमने हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली। क्या बात है, वाह वाह वाह। खिलौने ढाले उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। आइए उन दीवारों को गिराए, एक दूसरे के गले मिल सके, और यूं कहें कि शायद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये दीवारें गिर जाएंगी, और यूं कहें कि पूरी धरा भी साथ दे, सब कहें एक दूसरे से पूरी धरा भी साथ दे, तो और तरन्नुम में पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। और मेल मिलाप तो दोनों वर्गों से होता है, तब कहना चाहता हूँ रिश्तों की बात कहता हूँ, कोई भी रिश्ते कहना हो, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से ही चल रहे हैं लोग, चलने को एक पांव से ही चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। क्या कहने, जो पंक्ति अक्सर मैंने सुनाया करता, लेकिन आप जिस मन से सुनने मेरा मन कर रहा है, दो पंक्ति भी सुना दूं। आप देखते हैं आज की जो मोहब्बत है कुछ और तरह की हो गई है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ एक शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश, आप जो साहित्य के प्रेमी बैठे हैं, साहित्य की परख रखने वाले बैठे हैं, एक श्लेष का इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप जानते हैं एक तो मुखड़ा ही होता है, और गीतों के अंदर भी मुखड़े होते हैं, गीतों के आगे के जो होते हैं वो अंतरे कहलाते हैं। अब देखिए मैंने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है। स्वागत दादा। जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, जिंदाबाद साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। चार पंक्तियां होने की करता हूँ, पर एक गीत से मुड़ता हूँ, फिर आप अपना स्थान लूंगा। स्वागत दादा। हमारे मित्र रवि प्रीति आपके बाजे बाद में हैं, हास्य के कवि हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, एक ही शहर के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं हम लोग। उन्होंने कहा था दादा वो वाला जरूर सुना देना, चार लाइन वो आपके सामने सुना रहा हूँ, सुनिए। स्वागत दादा, स्वागत। देखिए आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं, है ना। अब देखिए मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल किस तरह से करने की कोशिश करता हूँ, कोई गुस्से में आपके सामने आए तो आप उससे ये कहें जो मैं कहना चाहता हूँ, कि दिलों की सांकलें और जहन की ये कुंडियां खोलो, दिलों की सांकलें और जहन की ये कुंडियां खोलो, दिलों की सांकलें और जहन की ये कुंडियां खोलो, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो खिड़कियां खोलो। क्या बात, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो खिड़कियां खोलो। आप सुनिएगा, बड़ी भारी घुटन है द्वार खोलो खिड़कियां खोलो, भिची मुट्ठी को लेकर आए हो
गुस्से में हो शायद, भिजी मुट्ठी को लेकर आए हो गुस्से में हो शायद, भिजी मुट्ठी को लेकर आए हो गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो हमसे तो ये मुट्ठियां खोलो। वाह जिंदाबाद। दोस्तों बताइए कि बिना मुट्ठी खोले हुए आप किसी के हाथ मिला सकते हैं? हाथ मिलाने के लिए मजबूरी है आपकी कि मुट्ठियां खोलनी पड़ती है, गुस्सा त्यागना पड़ता है तब मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ बस भिजी मुट्ठी को लेकर आए हो गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो हमसे हाथ तो ये मुट्ठियाँ खोलो, मिलाना है जो हमसे हाथ तो ये मुट्ठियाँ खोलो। दोस्तों 5-7 मिनट में आपके बीच में और हूँ, बहुत प्रेम की बातें कही गई तो मैं माना कि उम्र काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन प्रेम की बात तो कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता था, कर सकता हूँ जी, बात भी करूँ। चलिए थोड़ा सा अलग रंग में ले जाता हूँ आपको। स्वागत है दो। हाँ सुनिए, असल में क्या है आजकल के प्रेम में और हमारे वाले जमाने के प्रेम में बड़ा अंतर हो गया। आजकल तो जो आपकी है ना उनको आप मोबाइल में फोटो डाल रखते हैं और जब चाहे तब देख लें, हम लोगों को तो महीनों लग जाते थे। हाँ सर, क्या बात है दादू, कब छप्पा बाल छुपाना आ जाकर दरवाजे मिल जाए, एक जमाना वो भी, आप जमाना बदल गया। असल में बात क्या है कि प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है, अगर प्रेम की सच्ची कसौटी है साहब, तो मैं मानता हूँ पासी साहब, वो है मोहब्बत, वो है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा से बड़ी कोई कसौटी नहीं प्रेम की। जो इंतजार नहीं कर सकता, जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, सच मायने में प्रेम नहीं कर रहा है। प्रेम की व्यापकता, गहनता इंतजार से आती है। तो मैंने कहा था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए सर, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। वाह, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप आवाज दीजिए किसी को, और रेंज से बाहर चला जाता है तो आपको सुन, वो आपकी बात सुन नहीं पाता, जो पुकार से बाहर चला जाता है वो सुन नहीं पाता। वाह, पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। आइए तरन्नुम कहने की कोशिश करता हूँ इसी बात को, कैसे प्रेम में प्रतीक्षा होता है। सुनिए तो एक बार मुझे और आदेशित कर दीजिए, तो बहुत उल्लास के साथ आप सुन रहे हैं, मैं बहुत मन से सुना रहा हूँ आपको। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मुका है फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। भाई क्या बात कही है, भाई क्या नजाकत के बात कही है, चेहरे को आज वाह भाई ये है शायरी, तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। इसी वर्ग की चार पंक्तियां सुनिए, शायद इससे भी अच्छी लगे आपको। अब ये फागुन के महीने से हम सावन पर आ गए, आप जाने फागुन का महीना हो या सावन का हो, दोनों में याद तो बहुत आती है ना। अब सुनिए, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया, सावन में बोना तो मैंने यही किया, सावन में बोना तो मैंने
झूले पे उनका नाम लिखा और झूला जिंदाबाद सावन कमाल है। आप तो कमाल के लोग हैं। मैं जिंदाबाद सावन में बोना तो मैंने यही किया सावन में बोना तो मैंने यही झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया झूले पे उनका नाम लिखा। और आखिर में ढाई मिनट का एक गीत सुना के अपना स्थान लेता हूँ। हमारे भैया ना ये बड़ा नटखट है। अरे हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल शुरू की पंक्तियाँ सुना देता हूँ इसकी क्योंकि आपने आदेश दिया है तो मैं और अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं आपका आदेश मानूंगा निश्चित रूप से। और ये छोटा बालक जो बैठा है ना इसके लिए इसके मन की चार पंक्तियाँ उसे सुना के उस तरह मुड़ता हूँ जो मैं वास्तव में सुनाने के लिए आया हूँ आपके। स्वागत है तो आँखों में भर के प्यार का प्रशांत ये मुझे वो सुमर में ले जाना चाहते इसमें खो जाए बढ़िया। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही आँखों गजल का मतलब प्रेम की बात है। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही भाई जिंदाबाद है तू वाह। प्यार का पानी गजल कही आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही आँखों में भर के प्यार का। दूसरा शेर मैं नहीं सुनाना चाहता था लेकिन बड़ा मान जाए बालक इसे सुना रहा हूँ। इसमें काफी का इस्तेमाल हुआ कि ढंग से हो पाया जो उर्दू के लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने देश शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश की। स्वागत स्वागत। आँखों में भर के प्यार का पानी कही लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम हमने हथेली चूली यानी गजल कही हमने हथेली चूली यानी गजल कही हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही आँखों में भर के प्यार का कितना कहा खुलेंगे गजल कह के सारे राज कितना कहा खुलेंगे गजल कह के सारे राज हर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही पर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही आँखों में भर के प्यार का। वाह 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 वाह। एक मिनट में आपकी आपका आदेश गीत का मुखड़ा सुना देता हूँ फिर मैं अपना एक छोटा सा ढाई मिनट का गीत सुना के स्थान देना चाहता हूँ जो मैं मिशन मान के चल रहा हूँ। स्वागत। ऐसा वो एक आप मुझे उस उम्र में ले गए जब जब 61 में बीकॉम का छात्र था तो मैंने गीत लिखा था
उसी गीत ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई, कोई मुझे दूरदर्शन पर ले गया, रेडियो पर ले गया, कभी सुनो ले गया, यहाँ तक कि फिल्में भी ये गीत सबसे पहली बार आया। कोख नाम की फिल्म बनी थी वो 24 साल पहले, और रवीन जैन जी ने संगीत दिया था, हेमलता जी ने गाया था ये गीत। केवल उसकी शुरू की पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, उस समय के जिस समय के 16-17 साल का ये लड़का था, उस समय जो लिखा था उसमें तुम कहना चाहता हूँ जी, जो केवल मुखला सुना। स्वागत है, आप भी आपके लिए ये गीत आपने कहा था, आदेश के ये जो मातृशक्ति बैठी है आप ही के लिए गीत है ये। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, जितनी दूर नयन से सपना। अब मैं आखिरी पंक्ति सुना के अपना स्थान लेता हूँ। दोस्तों, मैंने एक गीत ऐसा लिखा, आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ बड़ी हताशाएं, बड़ी निराशाएं, छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो मेरा मन हुआ कि मैं एक ऐसा गीत लिखूं जो हताशाओं से बाहर निकालने का गीत, जिनमें सकारात्मक सोच हो, जिनमें बच्चों के मन के लिए सकारात्मक सोच आए, वो मैंने कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, पहले छंद में मैंने कहने की कोशिश की कि हमें जिंदगी मिली है, तो जिंदगी मिली है तो हम दुख को भी ऐसे ही स्वीकार करें जैसे हम सुखों को स्वीकार करते हैं, लेकिन दुखों को दूर करने की कोशिश करें अपने भी और दूसरों की भी। तो मैंने कहा भी था कि गमों की आंख के आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर। क्या बात है, वाह, दूसरों के दुख दूर करें, जिंदाबाद। दूसरे छंद में प्रेम की पराकाष्ठा, चाहे व्यक्तिगत प्रेम हो चाहे देश के प्रति प्रेम हो, कोई भी प्रेम हो संसार का, उसमें क्या पराकाष्ठा हो सकती है, उसी बात कहने की कोशिश की है। और आखिरी छंद में पूरी तरह से सकारात्मक बात कही और मैं उसका स्थान ले लेता हूँ। मेरे साथ साथ रहे, इस गीत का रिदम ऐसा है कि आप चाहें तो साथ साथ ताली बजाते बजाते इस गीत को सुन सकते हैं, तो मैं पंक्ति कहता हूँ। स्वागत है, दो बहुत चलती फलती भाषा का है, हाथ खोल के बैठे 2.5 मिनट के। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात अब ताली बजा दी, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो, अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात माना कर, तूने फूल भी कांटे भी कुछ पाए कुछ बांटे भी, तूने फूल भी कांटे भी कुछ पाए कुछ बांटे भी, तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी, धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है, गर्मी सर्दी सहते दिन नहीं एक से रहते दिन, गर्मी सर्दी सहते दिन नहीं एक से रहते दिन, सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में, अपना आना जाना कर, सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात माना कर। ये छंद प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है दोस्तों, इसमें बहुत आपका मन चाहूंगा अगर सही बात कह पाया। स्वागत, सबकी बात माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात माना कर, ये जो यार मोहब्बत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है, अंगारों में देती है आंसू पीती रहती है, रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से, तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में, तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में, या तो दीवाना हो जा,
या तो दीवाना हो जा या मुझको दीवाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। आखिरी पंक्ति निवेदित करता हूँ, स्वागत है। बहुत पहले मैंने दो पंक्तियां कही थी, वो बिल्कुल अनुभव से थी, बहुत दूर तक पहुंची आपकी दुआओं से, 22 देशों में हो आया। ये पंक्तियां मुझसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। कहता हूं कि दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, सर दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आप खुश होकर देख लीजिए, आपके पीछे दुश्मन लग जाएंगे ना सर। मेरे मन में आया चलो हंसने की बात छोड़ो, मैंने अपनी पंक्ति बदल दी सर थोड़ी सी, तो हंसने में जब आवाज आती है ना दुश्मनों को सुनाई दे जाएगी कि मात रहे, तो मैंने सोचा सुनाई ना दे ऐसे काम करा, तो मैंने उसमें शब्द बदला भैया, शब्द बदला, दो चार बार हम जो कभी मुस्कुरा दिए, अब मुस्कुराने की आवाज थोड़ी जाती है साहब, दुश्मनों को मुस्कुराने की आवाज ही बच जाती है। तो मैंने ये कहा था कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। क्या बात है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है, मुश्किल भाई, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। और सुनने आप कहता हूँ कि तो मेरे मन में आया कि यार ये तो बड़ा निराशा वाली बात है भाई, थोड़ा जवाब देना चाहिए। तो मैंने जवाब किया दिया, अगर जवाब सच्चा हो पाया और सही हो पाया तो सबका आशीर्वाद मुझे मिले, आप बैठने वाला हूँ मैं। सारे जहाँ ने हाथ में पत्थर उठा लिए, कहता हूँ सर उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, और मैं पानी की तरह उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो हमारे जिंदगी में विरोध करते हैं हमारा, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, और ऊंचा उठ गया। क्या बात है, वाह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा उठ गया। शायद से ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह सकता जो कहने जा रहा हूँ। मेरा नाम आपको याद रहे या ना रहे, जो पंक्तियां याद रह जाएंगी तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। जिंदगी में जब कभी विरोध कोई करता हुआ दिखाई दे, ये पंक्तियां याद करने तो कहता हूँ, बिल्कुल नेगेटिव बात पॉजिटिव बात कहता हूँ, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेशुमार, मैंने उन्हीं के जोड़ के कुछ घर बना लिए। क्या बात है, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। केवल नितांत अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई दो पंक्तियां क्या करें, अपना स्थान लेता हूँ। मेरी जिंदगी के बारे में हमारे बहुत से सभी कवि मित्र जानते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमारे मित्र जो रवि रहती हैं, वो तो मेरे बचपन में जो मित्र हैं उसी मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने मेरे संघर्ष की कहानी जानते हैं पूरी तरीके से, लेकिन संघर्ष हारना नहीं कभी। तब मैंने जो पंक्तियाँ कही उसके बाद स्थान लेता हूँ। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, जानते हैं ना संटी बैंड है ना, बड़ी पिटाइयाँ होती थी जमाने में, बड़ी संटियाँ पड़ती थी। मुझे मित्रों सही बता रहा हूँ मैं आपको ईमानदारी की बात, जब से जन्म लिया तब से आज तक हर दिन मुझे लगा जैसे रिपीट पर संटी मारता हुआ आ रहा है, हर रात मुझे लगी जन्म सामने से संटी मार रही है। मैं लगातार जिंदगी में संघर्ष संघर्ष और संघर्ष के साथ साथ रहा, तब ये बात कहना चाहता हूँ। ये कुंवर बेचैन जो आज आपके सामने कुंवर बेचैन है, ये वो कुंवर बेचैन है जिसके जब मैं 2 महीने का था मेरे पिता नहीं रहे, जब मैं 6 साल का मेरी माँ नहीं रही, जब मैं 9 साल का था अपनी बहन बोनी के साथ पला, दुर्भाग्य से जब मैं 9 साल का था मेरी बहन भी नहीं रही। 9 साल की उम्र से मैंने रोटी बनाई चूल्हे पर बाजरे की पहले दिन, मतलब कहना ये कि पूरा संघर्ष जीवन का था मेरा, 9 साल की उम्र से शुरू हो गया था। तब ये कुंवर बेचैन आपके सामने है, खास पंक्ति निवेदित करता हूँ। दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। कहता हूँ संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। क्या बात है, वाह,
संती की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसी के सर बना लिए। तब कहता हूँ साथ साथ मेरे गाड़ी चालक, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह आपने दिया, बहुत। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।